किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझे ये एहसास दिला दो कि जिंदा हूँ, कि मैं जिंदा हूँ अभी। तो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट लक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष्मीज लाइफ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है Z5 पे कागज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि आपके जिंदा रहते हुए भी आपसे जिंदा होने का प्रूफ मांगा जाए तो आप क्या दोगे? आप दोगे उसमें अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट या फिर अपना पैन कार्ड? और दूसरी तरफ अगर आपके जिंदा होते हुए भी आपके हाथ में कोई डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या स्टेप लेंगे? तो दोस्तों, कागज मूवी में भी आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। और कागज मूवी में जो हमारे भरत लाल जी यानी कि जो पंकज त्रिपाठी हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये चीज़ तो हम रिव्यू में ही जान पाएंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कितना सफल रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगी स्टारकास्ट की। स्टारकास्ट में है पंकज त्रिपाठी यानी कि भरतलाल, मोनल गज्जर उनकी वाइफ रुक्मणी, और सतीश कौशिक जो कि एज ए एडवोकेट दिखाई देंगे आपको साधुराम के नाम से, और डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया है सतीश कौशिक ने। और भी अन्य रोल हैं जैसे कि नेहा चौहान है, मीता वशिष्ठ है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये कागज जो है कहानी है आजमगढ़ यूपी के गांव की, जहां पर भरतलाल जी अपनी वाइफ रुक्मणी के साथ में रहते हैं। और जब उन्हें उनकी फैमिली के मेंबर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है कागज पे, तो दोस्तों उनका रिएक्शन क्या होता है? और उस चीज को सही करने के लिए वो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते हैं और अदालत जाते हैं, थाने जाते हैं, विधानसभा तक जाते हैं। बट आपको तो पता ही है अपने गवर्नमेंट में जो भी पेपर्स प्रोसेसेस चलते हैं वो कितना डिले करते हैं हर काम में। तो करप्शन जो है, करप्शन नाम का कीड़ा जो है हमारे गवर्नमेंट में, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को डिले करता रहता है। पर फिर भी भरतलाल जी जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रुकते नहीं हैं, वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जैसे कि उन्होंने डायलॉग बोला है इसके अंदर कि इस मूवी में, मतलब अपने डायलॉग्स जो हैं, जैसे बाल बच्चे महरारू होते हैं कागज़ के होते हैं इंसान के, और दिल होता है कागज़ का होता है इंसान का। तो दोस्तों, इनसे ही आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि वो अपने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब अगर यही फ्लुएंसी आपको स्क्रीन प्ले में दिखाई दे तब हम मानते कि ये मूवी जो है बहुत आधे हद तक इस काम को करने में सफल हुई है। बट ये डायलॉग जो है आप सुनते हैं वो आप फील कर सकते हैं, बट जो स्क्रीन प्ले में चीज़ जो थोड़ी अधूरी रह गई है, इससे ये मूवी थोड़ा सा सफल होने में कमी रह पाई है। क्योंकि सरकारी कागजों में जो लाल फीता शाही है उसे बेनकाब करना इतना आसान काम नहीं है। अब दोस्तों, ये मूवी एहसासों को जगाने वाली और इंसानियत को समझने वाली का कॉम्बिनेशन टाइप मूवी है, और इसमें आपको कॉमेडी मिलेगी क्योंकि ये एक इंडियन बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो आप ज़रूर देखिए, और जो भी रिव्यू हो आपके, आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। और एट लास्ट मैं आपसे कहूँगी कि थैंक्स अ लॉट टू वॉच माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। योर लव इज़ माई इंस्पिरेशन टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट मोर रिव्यूज़।